हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ वो है आरजे रौनक। सब जानते हैं आरजे रौनक को, वो बुआ उनका बहुत मशहूर था, बहुत हंसा है उन्होंने। अब वो जरा थोड़े रोस्टिंग वोस्टिंग में भी आ गए हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने बेसिकली इंडिया की क्रिकेट टीम पे, जो तो साउथ अफ्रीका से इनकी हार हुई, तो उसके ऊपर इन्होंने एक थोड़ी सी रोस्टिंग की है। और बड़ा अच्छा इनके बोलने का तरीका है, बहुत कॉमेडी है और बड़े अल्फाजों को ठोक ठोक कर बोलने में बड़ा मजा आता है। चलिए देखिए इस वाली वीडियो को, अपने मजे लेते हैं। देखिए वैसे तो इंदौर को इंडिया का सबसे साफ शहर कहा जाता है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया यहाँ पर साउथ अफ्रीका वालों को व्हाइट वॉश नहीं कर पाई। कंट्रोल। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। रणतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप। देखो, एक होती है चींटी की टांग, फिर एक होती है बैक्टीरिया की जांग, और फिर एक होती है बॉस की ईगो। लेकिन इन सबसे भी छोटा है इंदौर का ग्राउंड। मतलब भाई, गली क्रिकेट में जितनी लंबी बाउंड्री होती है ना, उससे थोड़ी बड़ी बाउंड्री है इंदौर का ग्राउंड। यही वजह है कि यहाँ मैच कम और हाईलाइट ज्यादा लगता है। हर बॉल पर छक्का लगने की उम्मीद रहती है, लेकिन कल हमें यहाँ पर झटका लगा है। वैसे तो कल के मैच में रिजल्ट का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया सीरीज जीत चुकी थी और अपनी दोयम दर्जे की टीम के साथ खेलने उतरी थी, जिसमें न तो कोहली थे न केएल राहुल, हर्षदीप सिंह भी नहीं खेले। लेकिन उसके बावजूद दूसरी पारी के 10 ओवर के बाद ही इंडिया गेम से बाहर हो गया था। शोएब अख्तर जी के शब्दों में बोलूं तो तगड़ी फेंटी लगाई है साउथ अफ्रीका वालों ने हमें। पहली पारी में तो ऐसा हुआ कि समझो हम गुवाहाटी वाले मैच की हाईलाइट देख रहे हैं। फर्क बस इतना था कि ग्राउंड में सांप नहीं निकला और अब की बार पहले बैटिंग साउथ अफ्रीका ने करी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमें गुवाहाटी में कूटा था, बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ इंदौर में भी कूटा। वैसे तो दोनों देशों में गांधी जी और मंडेला जी के सिद्धांतों वाली काफी फ्रेंडशिप है। इंडिया में अगर कोई बाहर का खिलाड़ी सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। लेकिन साउथ अफ्रीका वालों ने किसी बात का लिहाज नहीं किया बॉस। उन्होंने तो हमारे गेंदबाजों की ऐसी कुटाई करी है जैसे आदि पुरुष का टीजर हमारे गेंदबाजों ने ही बनाया। हालांकि साउथ अफ्रीका के कप्तान बबूमा चाहते तो साउथ अफ्रीका से किट बैग की जगह कपड़ों का एक एक्स्ट्रा बैग कुर्ता पैजामा ला सकते। मैच में तो कुछ कर नहीं पाए, कम से कम पहनकर शाम को डांडिया खेलने ही चले जाते। लेकिन उनके अलावा जो बाकी बल्लेबाजों ने हमारे साथ किया है वो हम भूल नहीं सकते। क्विंटन डिकॉक ने 43 पर 68 मारे, स्टब्स ने 18 पर 23, लेकिन महफिल तो रूसो ने लूटी है भैया। पिछले मैच में डेविड मिलर ने सेंचुरी लगाई थी, अब की बार उन्होंने लगा दी। सेंचुरी ना हो गई, सर्दी में आलू के पराठे हो गए, हर दूसरे दिन बन रहे हैं बे। और कुल मिलाकर बात ये है कि यही है। और पिछले मैच में सेंचुरी बनाने वाले मिलर ने सिर्फ 5 गेंदे खेली, उसमें भी 3 छक्के लगा दिए। नतीजा ये कि अफ्रीका ने 20 ओवर के बाद 227 बना दी। देखो, टारगेट तो बड़ा ही था, लेकिन हमारा जिगरा भी तो बड़ा है और ग्राउंड छोटा। हमने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन पहले 2 ओवर में जो हुआ उसके बाद कुछ देखा नहीं गया। रोहित शर्मा बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर खेलने आए श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल पर आउट होकर बोर हो गए थे, तो अब की बार गुड लेंथ पर आउट हो गए। बर्थडे बॉय ऋषभ पंत को तो उर्वशी जी ने अपने इंस्टाग्राम पर हैप्पी बर्थडे तो विश कर दिया था, लेकिन उनकी बैटिंग करते टाइम शायद नजर भी लगा दी। पंत 14 गेंदों में 27 रन बनाकर मूड में लग रहे थे, लेकिन स्टब्स ने उनकी कैच पकड़कर मूड की मम्मी दीदी कर दी। उम्मीदें हमारी फिर भी बंधी हुई थी। आखिरकार पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाने के बाद भी तो फाइट बैक किया था, लेकिन हमारी उम्मीदों ने तब बोरिया बिस्तर बांध लिया जब सूर्य कुमार यादव भी फेल हो गए। इसके बाद तो बस यही होना था कि हम हारेंगे तो कितने रन से। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इंटेंट पूरी दिखाई थी हमारी टीम की तरफ से। नंबर 11 तक के बल्लेबाज ने भी आकर जज्बा दिखाया और इंडिया का रन रेट 10 के ऊपर ही था, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 17 के पार जा चुका था। इंदौर वालों को इतना एंटरटेनमेंट मिला कि आज सुबह नाश्ते में उन्हें पोहा जलेबी खाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। इंडिया मैच 49 रन से हार गया, लेकिन सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अब यहां से सूरत हाल ये है मेरे भाई कि अब एक नई टीम लखनऊ में साउथ अफ्रीका से वनडे खेलने जाएगी, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है, और हमारी वर्ल्ड कप वाली टीम कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। इन दोनों इवेंट पर हमारी पूरी नजर रहेगी और हम कल आपके लिए पहले वनडे का प्रीव्यू लेकर हाजिर होंगे। मिलते हैं आपसे कल। चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद। बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं ये आरजे रौनक, बहुत जबरदस्त था। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इनका लिंक मिलेगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आरजे रौनक ये के जब भी कुछ कॉमेडी वॉमेडी सुनने का मूड हो और आप देख ना सकते हो, तो कान लगा के इनका बब्बुआ जरूर सुनिएगा, वो आपको एकदम तो फ्रेश कर देगा। बहुत जबरदस्त कॉमेडी है इंडिया के, बहुत बेसिकली आरजे रह चुके हैं ये और कॉमेडी बहुत जबरदस्त करते हैं, बहुत जबरदस्त नकल उतारते हैं और बजाते हैं, इसके नोट फोड़ जाएंगे। इनका चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा क्योंकि अपडेट दे रहे हैं आजकल बहुत क्रिकेट के ऊपर। तो चले गाइस, मेरा भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।